हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नया पैराग्राफ लाए हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का, जिसका टाइटल है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल होता है प्राकृतिक और डिजास्टर होता है आपदा, प्राकृतिक आपदा। इस स्टोरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं जो कि हमें हमेशा काम देंगे, और मैं मानता हूँ ये एक एडवांस लेवल की इंग्लिश का अच्छा वर्जन है। यहाँ मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग और किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब और किस फॉर्म में आएगी, सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि मैं रोजाना सुबह 5 बजे हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियो। अगर आप चाहते हैं रोजाना हमारे चैनल से आपको एक वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। Natural disasters are sudden and intense events that cause damage to the environment and loss of human life. अब मैंने फुल स्टॉप तक ये सेंटेंस पढ़ लिया है, अब इसमें हम डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे। नेचुरल प्राकृतिक डिजास्टर्स आपदाएँ, सडन होता है अचानक, इंटेंस तीव्र या गहन, इवेंट घटनाएँ, कोज यहाँ वर्ब है कारण बनती है, डैमेज होता है नुकसान, इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण, लोश हानि, और ह्यूमन लाइफ मानव जीवन। अब इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन देख लेते हैं इंग्लिश से हिंदी में। नेचुरल डिजास्टर्स आर सडन एंड इंटेंस इवेंट्स। नेचुरल डिजास्टर्स प्राकृतिक आपदाएं आर हैं, सडन एंड इंटेंस इवेंट्स अचानक और तीव्र घटनाएं हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो अचानक और तीव्र घटनाएं हैं, दैट जो कोज डैमेज टू द इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण का नुकसान का कारण बनती हैं, एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और मानव जीवन की हानि का। मतलब जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो किस चीज़ का कारण बनती हैं, एक तो पर्यावरण का नुकसान, ठीक है, और दूसरा मानव जीवन की हानि का। दीज डिजास्टर्स कैन ओकर ड्यू टू वेरियस रीजन्स इंक्लूडिंग जियोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो इरप्शंस, वेदर रिलेटेड इवेंट्स सच एज हरिकेन्स एंड टोरनेडोज, एंड क्लाइमेट चेंज लाइक फ्लड एंड ड्राउट्स। यहाँ तक फुल स्टॉप तक पढ़ लिया, अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। काफ़ी लंबा पैरा है पर उससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो वर्ड आए हैं काफ़ी क्वालिटी के वर्ड आए हैं, ये आपको जीवन में और दैनिक लाइफ में काफ़ी यूजफुल वर्ड हैं, आप इनको नोट करके रख लीजिए। और साथ ही ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ मैं इसका PDF भी अपलोड कर देता हूँ, ज्वाइन कर लेना। तो देखते हैं इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड। डिजास्टर्स आपदाएँ ओकर घटित होती है ड्यू टू कारण, वेरियस विभिन्न रीजन्स कारण, इंक्लूडिंग शामिल हैं, जियोलॉजिकल एक्टिविटी, जियोलॉजिकल होता है भूवैज्ञानिक एक्टिविटी गतिविधि, अर्थक्वेक भूकंप, वोल्केनो वोल्केनो होता है हमारा ज्वालामुखी, इरप्शंस उसका विस्फोट जो रहता है, वेदर मौसम, और रिलेटेड संबंधित इवेंट्स घटनाएं, हरिकेन्स होता है हमारा तूफान, टोर्नेडोज होता है हमारा बबंडर जो कोस्टल एरिया पे आता है, समुद्री तट पे आते हैं, क्लाइमेट जलवायु चेंजेस परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेस जलवायु परिवर्तन होता है, फ्लड बाढ़, और ड्राउट्स होता है सूखा। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। बीच डिजास्टर्स ये आपदाएं कैन ओकर ड्यू टू वेरियस रीजन्स, ये आपदाएं घटित हो सकती हैं ड्यू टू वेरियस रीजन विभिन्न कारणों के वजह से, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है जियोलॉजिकल एक्टिविटी भूवैज्ञानिक गतिविधियां कौन कौन सी, जैसे अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो इरप्शन, क्या भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, वेदर रिलेटेड इवेंट्स जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो भी शामिल हैं, सच एज जैसे हरिकेन्स एंड टारनेडोज। वेदर रिलेटेड कौन कौन सी होती हैं, एक तो तूफान, ठीक है, ये भी जो कोस्टल एरिया है वहाँ ज़्यादा आते हैं हरिकेन्स एंड टोरनेडोज बबंडर, एंड क्लाइमेट चेंज लाइक फ्लड्स एंड ड्राउट्स, और क्या क्या शामिल हैं, क्लाइमेट चेंजेस जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे फ्लड्स एंड ड्राउट्स, बाढ़ और सूखा भी इसमें शामिल हैं जो कि इन विभिन्न आपदाओं का कारण बनते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ दीज डिजास्टर्स कैन बी डिवास्टेटिंग। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट होता है प्रभाव, डिजास्टर्स आपदाएं, डिवास्टेटिंग विनाशकारी,
लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडिंग टू कारण बनता है या घटित होता है, ले जाती है, लीडिंग टू कारण बनता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे के विनाश का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन ऑफ पीपल, लोगों के विस्थापन का, एंड डिसरप्शन ऑफ डेली लाइफ, और जो दैनिक जीवन है उसके भंग होने का कारण बनता है। क्या चीज़ है जो ऊपर मैंने घटनाएं बताई हैं वो सारी, अर्थक्वेक्स ओकर व्हेन द अर्थ्स क्रस्ट शिफ्ट्स लीडिंग टू ग्राउंड शेकिंग, फुल स्टॉप तक हो गया। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। इसमें हर एक वर्ड काफ़ी अच्छा आ रहा है जो कि एक एडवांस लेवल का है। अर्थक्वेक होता है भूकंप, ओकर घटित होता है, ओकर ठीक है, और अर्थ्स क्रस्ट, ये अर्थ में जो एस लगा है इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोपियस। पुरानी वीडियो में भी मैंने बताया है इसका मतलब होता है काकी के का अर्थ दर्शाने के लिए यूज होता है। अर्थ्स क्रस्ट, क्रस्ट होता है परत, और शिफ्ट्स खिसकती है। अर्थक्वेक्स ओकर, भूकंप घटित होते हैं व्हेन, जब द अर्थ्स क्रस्ट शिफ्ट्स, भूकंप कब घटित होते हैं, जब पृथ्वी की जो परत है वो खिसकती है, लीडिंग टू ग्राउंड शेकिंग, जो कारण बनती है जमीन के हिलने का। ग्राउंड होता है जमीन और शेकिंग होता है हिलना, ठीक है, या हिलाना, लीडिंग टू ग्राउंड शेकिंग जो कारण बनती है जमीन के हिलने का। हरिकेन्स आर पावरफुल स्टॉर्म्स दैट ब्रिंग हैवी रेन्स एंड स्टॉर्म विंड्स, स्टॉर्म विंड्स होता है तूफानी हवाएं जो तेज रहती हैं अक्सर, पावरफुल शक्तिशाली, हरिकेन्स होता है तूफान जो कि समुद्री क्षेत्र में आते हैं, और स्टॉर्म्स होता है आंधी, ब्रिंग लाती है हैवी भारी। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं, हरिकेन्स आर पावरफुल स्टॉर्म्स, तूफान शक्तिशाली आंधी होती हैं, दैट ब्रिंग हैवी रेन्स जो भारी वर्षा लाते हैं, एंड स्टॉर्म विंड्स और तेज तूफानी हवाएं भी लाते हैं। फ्लड्स हैपन्स व्हेन एक्सेसिव रेनफॉल और स्नो मेल्ट ओवरवेल्म्स रिवर बैंक्स और ड्रेनेज सिस्टम, फुल स्टॉप हो गया। पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं, हर एक वर्ड इसमें थोड़ा डिफिकल्ट तो है बट काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपकी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए वोकैबुलरी, वोकैबुलरी होता है हमारा जो शब्दकोश का भंडार होता है, जितना आपके पास होगा उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। फ्लड्स, फ्लड्स होता है बाढ़, हैपन्स घटित होती है वर्ब है, व्हेन जब, एक्सेसिव होता है अत्यधिक रेनफॉल वर्षा, सिनोमेल्ट बर्फ का पिघलना, ओवरवेल्म कोई चीज़ लबालब भर जाना अपने किनारे तक, रिवर बैंक्स नदी के तट, ड्रेनेज होता है जल निकासी सिस्टम तंत्र। फ्लड्स हैपन्स, बाढ़ आती है व्हेन जब, एक्सेसिव रेनफॉल और सिनोमेल्ट ओवरवेल्म्स रिवर बैंक्स और ड्रेनेज सिस्टम। फ्लड हैपन्स, बाढ़ तब आती है व्हेन जब, एक्सेसिव रेनफॉल, जब अत्यधिक जो वर्षा होती है, और स्नोमेल्ट जो बर्फ पिघलती है, ओवरवेल्म्स रिवर बैंक्स नदी के तट भर जाते हैं, और ड्रेनेज सिस्टम, जब नदी के तट और जो ड्रेनेज सिस्टम जल निकासी तंत्र है वो भर जाता है, तब क्या है बाढ़ आती है, पानी निकासी बंद हो जाती है, तो जो पानी रहता है जहाँ मानव जीवन रहता है उस क्षेत्र में आ जाता है, तो उसे बोलते हैं कि बाढ़ आ गई, ठीक है। ये सब अगर एक तंत्र विशेष के हिसाब से चलती रहे तो कोई आपदा नहीं आती। कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं जो मानव जनित होती हैं, ठीक है, जिसमें से एक बाढ़ भी है। एक अच्छा निकासी सिस्टम ना होना, ठीक है, बाढ़ का कारण बनता है। विल्ड फायर्स स्प्रेड रैपिडली इन ड्राई कंडीशंस कंज्यूमिंग फॉरेस्ट्स एंड होम्स, विल्ड फायर होता है जंगल की आग, स्प्रेड फैलती है रैपिडली तेज़ी से, ड्राई शुष्क, कंडीशंस होता है अवस्थाएं, कंज्यूमिंग खा जाती है या निगल जाती है, फॉरेस्ट जंगल और होम घर। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं, विल्ड फायर्स स्प्रेड रैपिडली, जो जंगल की आग है तेज़ी से फैलती है इन ड्राई कंडीशंस, शुष्क अवस्था में, कंज्यूमिंग खा जाती है फॉरेस्ट एंड होम, जो जंगल और घरों को खा जाती है। जैसे जंगल में कोई घर बना लेता है, या हमारे घर हों या फिर किसी जीव जंतु के घरों, उन्हें जो आग रहती है वो सब खा जाती है जंगल की आग। नेचुरल प्राकृतिक
डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, व्हाइल ऑफन अनकंट्रोलेबल, हालांकि अक्सर बेकाबू होती हैं, कैन बी मैनेज्ड थ्रू प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेटिंग एंड इफेक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स मेजर्स। ठीक है, मेजर्स होता है उपाय, रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया, इमरजेंसी आपातकालीन, इफेक्टिव होता है प्रभावी, मिटिगेशन होता है शमन। ठीक है, मिटिगेट कम करना और मिटिगेशन शमन, प्रिपेयर्डनेस तत्परता या तैयारियों से, ठीक है, थ्रू के माध्यम मैनेज्ड संभाला जा सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं, व्हाइल ओफन अनकंट्रोलेबल, हालांकि अक्सर बेकाबू होती हैं, कैन बी मैनेज, जिन्हें संभाला जा सकता है थ्रू के माध्यम से, थ्रू प्रिपेयर्डनेस तैयारी के माध्यम से, मिटिगेशन शमन के माध्यम से, एंड इफेक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स मेजर्स, और जो प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रियाएं हैं या उपाय हैं उनके माध्यम से जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनको काबू किया जा सकता है। इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ जो आपको ट्रांसलेशन में मदद करेगा, और हर एक वर्ड का प्रोनंसिएशन बता रहा हूँ। जैसे ये इवैक्यूएशन है तो ये आपको इंग्लिश रीडिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ रोज़ाना आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपकी इंग्लिश एक महीने के अंदर काफ़ी सुधर जाएगी। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इवैक्यूएशन प्लान्स, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिंग अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग कम्युनिटीज अबाउट द रिस्क एंड सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। अर्ली शुरुआती वार्निंग चेतावनी सिस्टम प्रणाली, इवैक्यूएशन होता है निकासी, किसी एक क्षेत्र से जब कोई फंस जाता है तो वहाँ से निकालना या पहले ही वो जगह खाली करा के व्यक्तियों को निकालना। रेजिलिएंट होता है लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचा या बुनियादी ढांचा। रेजिंग बढ़ाकर या उठाकर, ठीक है। अवेयरनेस जागरूकता, एजुकेटिंग शिक्षित करके कम्युनिटीज समुदायों को अबाउट के बारे में, रिस्क जोखिम, सेफ्टी मेजर्स सुरक्षा उपाय। ठीक है, यहाँ मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ जो आपको ट्रांसलेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल करेगा, और जो मैं यहाँ प्रोनंसिएशन बता रहा हूँ जो आपको इंग्लिश रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है जिससे आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। तो ये वीडियो जो मैं रोज़ाना डालता हूँ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे पैरा का क्या है हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, शुरुआती चेतावनी प्रणाली, इवैक्यूएशन प्लान्स और निकासी योजनाएं, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लचीला ढांचा, रेजिंग अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग कम्युनिटीज। अवेयरनेस होता है जागरूकता, रेजिंग अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाकर, एंड एजुकेटिंग कम्युनिटीज और जो समुदाय हैं उन्हें शिक्षित करके अबाउट द रिस्क एंड सेफ्टी मेजर, जो हमारे जोखिम हैं और सुरक्षा उपाय हैं उनके बारे में उनको शिक्षित करके हम इन आपदा से बच सकते हैं। तो ये जो ऊपर उपाय बताए गए हैं नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, इस सब चीज़ को अपनाकर हम जो नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्हें कम कर सकते हैं और काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ, आशा करता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड थे जो आपकी प्रोनंसिएशन और वर्ड पावर को इन्हांस करेंगे। एक बार लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज़ाना हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियो लाते रहते हैं। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का वहाँ लिंक दिया है, वहाँ से आप पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।